कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आज हमारी संडे क्यू एंड वीडियो, जहाँ पे आपके पूछे गए क्वेश्चन और मेरे आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यू एंड ए होता है, आप लोगों को पता ही है, और आज का क्यू एंड ए भी जो है इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। आईफोन SE 3rd जनरेशन का हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है। 3 सिंपल स्टेप्स है और एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी वेडनेसडे को, तो आप लोग जो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। पहली चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना है। सेकंड चीज, इंस्टाग्राम पे आपको मेरे को फॉलो करना है। और थर्ड चीज, डिस्क्रिप्शन में जो है गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आपको फिल करना है। 3 सिंपल स्टेप्स है। 18th को जो है आईफोन SE 3rd जनरेशन इंडिया में आ जाएगा। अनबॉक्सिंग वगैरह जरूर करनी पड़ेगी और फिर किसी सब्सक्राइबर को जो है गिव अवे हो जाएगा, तो आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा है इरशाद ने, हाय लक्ष्य, आई एम एंड्रॉइड यूजर एंड प्लानिंग टू स्विच टू आईफोन फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे लोग जो है आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम और कंफ्यूज होते हैं कौन सा परचेज करें बेटर एक्सपीरियंस के लिए। माई यूजेज इज ओनली यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, नो गेम, काइंडली एडवाइज मी विच बजट आईफोन आई कैन गो विथ। तो देखो, मैं बोलूंगा कि बजट आईफोन जो है शुरू होते हैं 25,000 रुपीज से लेकर और चलते रहते हैं, क्योंकि आईफोन का आपको पता है कोई भी लिमिट नहीं है। बट मैं बोलूंगा कि इस टाइम पे एक फोन जो बेस्ट आप परचेज कर सकते हो वो है आईफोन 12, क्योंकि आपको आईफोन 12 में जो कोई भी एसेस प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती। 5G आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, डुअल कैमरा मिल रहा है, फुल स्क्रीन मिल रही है, फेस आईडी मिल रही है, सारा कुछ है आपको। लेटेस्ट चिप देखने के लिए मिलती है, सारी चीजें आप लोगों को आईफोन 12 में देखने के लिए मिलती है। और प्राइसिंग भी जो मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। 25,000-30,000 स्पेंड करने से बेटर है कि थोड़े डबल मिला के जो आईफोन 12 ले लो और 4-5 साल की छुट्टी हो जाएगी और एक्सपीरियंस भी जो है बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो आईफोन 12 जो है बेस्ट चॉइस हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा है विवेक यादव ने, आईफोन 12 प्राइस ड्रॉप, आईफोन 13 प्राइस ड्रॉप, आईफोन 11 प्राइस ड्रॉप। प्राइस ड्रॉप के बहुत सारे कमेंट है, होली सेल प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है होली की कोई भी सेल मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मैंने आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाई इसलिए क्योंकि आईफोन 12 की, आईफोन 11 की जो भी प्राइसिंग आई है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं आप लोग भी डिसअपॉइंट हो गए, कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन ऑफलाइन प्राइस ड्रॉप बहुत ज्यादा तगड़ा आएगा आईफोन 12 का, आईफोन 11 का, आईफोन 13 का। उसके लिए आप लोग जो है वेट करना और आप लोगों को जो है बहुत जल्दी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और बेस्ट पार्ट क्या है कि यार ऑफलाइन आप लोग अपने सामने अनबॉक्सिंग करो, उससे बेस्ट कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो ऑफलाइन अगर आपको अच्छी सेल देखने के लिए मिलेगी तो उसके लिए जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा है ओनली फॉर ने, #SundayQA, हाउ मच विल द आईफोन SE 3 बी ऑन सेल बडी। और जितने भी इंटरनेशनल आप लोगों को स्टॉक देखने के लिए मिलता है, जितने भी स्टोर्स हैं, मार्वन्स है, सेलबर्टी है, बहुत सारे स्टोर्स हैं, और कब जो है यहाँ पे लॉन्च होगा, तो मैं बोलूंगा कि जितने भी इंटरनेशनल आप लोगों को मॉडल्स हैं वो इंडिया में 5 दिन बाद, मतलब कि लॉन्च के अगर 18 मार्च को लॉन्च होता है इंडिया में मेड इन इंडिया वेरियंट का, तो 5-6 दिन में दुबई से आके जो सारी चीज़ सेटल डाउन हो जाएंगी। और बात रही प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में आपको जो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो बहुत मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि दुबई में भी प्राइसिंग जो अभी बहुत ज़्यादा कोई कूल प्राइसिंग नहीं है कि इंडिया में लाते लाते प्राइसिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। तो डिफरेंस यहाँ पे जो है 4-5 हज़ार का ही होने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि आप इंडियन वेरियंट ही परचेज कर सकते हो, अभी इंटरनेशनल पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं। और बात रही कि आप सेलबर्टी मार्वन से, डेफिनेटली आप लोग जो है परचेज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है रॉफिल डिजाइन ने, #SundayQA, ब्रो कभी हमें केस गियर का टूर करवाओ या फिर स्टूडियो सेटअप, स्टूडियो व्लॉग कब आएगा। तो केसगर का कोई टूर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा जो है वेयर हाउस है केसगर का, उसका क्या टूर मैं आप लोगों को करवाऊं। और स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा ऐसा कोई इंडिया में भी प्रोसेस नहीं है। और बात रही स्टूडियो टूर, तो वो चीजें 100K के लिए रहने देते हैं, 100K एक स्पेशल नंबर होता है और आप लोगों को प्रॉपर स्टूडियो पे जो है सारी चीजें दिखाएंगे। अभी स्टूडियो में जो है आसपास पूरा काम वगैरह चल रहा है, तो चीजें बेटर कर रहा हूं, चीजों को और इंप्रूव कर रहा हूं, इस सेटअप को चेंज करके थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, क्योंकि मैं भी बोर हो गया हूं एंड आई एम श्योर आप लोग भी देख देख के बोर हो गए होंगे। तो बहुत सारी चीजें जो भी चेंज करने वाली है 100K पे आप लोगों के लिए जो एक स्पेशल वीडियो आएगी, एक व्लॉग आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछा है दिवांश कुमार ने, भाई आईफोन 13 मेड इन इंडिया कब आएगा। तो आईफोन 13 मेड इन इंडिया की हाइप क्रिएट हुई थी और हाइप जो अब बिल्कुल नीचे चली गई है, क्योंकि आईफोन 13 मेड इन इंडिया की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बट प्राइसिंग आप लोगों को जो चाहिए थी वो प्राइसिंग आप लोगों को आईफोन 13 की अभी ही मिल गई है। तो मेड इन इंडिया अगर आ भी जाएगा तो आप लोगों को और ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये एप्पल जो है मैक्सिमम दे सकता है, जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, जितने भी रीसेलर्स हैं, इससे ज्यादा प्राइस ड्रॉप कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। 62,000-63,000 में आप लोगों को मिल रहा है। बाकी बात रही प्राइम डे सेल, बिग बिलियन डे सेल की, तो आते आते जो है फिर आईफोन 14 भी लॉन्च हो जाएगा, तो प्राइस ड्रॉप आप लोगों को अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है संकेत ने, मार्वन्स फोन अनबॉक्सिंग। तो मार्वन फोन अनबॉक्सिंग आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हो, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे को अभी कोई भी फोन की नीड नहीं है। आप लोग एक काम करो, मार्वन्स के इंस्टाग्राम पे जाओ, उनके DM में भर दो एप्पल इन इंडिया अनबॉक्सिंग, एप्पल इन इंडिया अनबॉक्सिंग, ऐसा आप भर दो
और अगर वो आप लोगों की रिक्वेस्ट देखेंगे, मैसेज पढ़ेंगे, तो वो खुद मेरे को जो है कॉन्टैक्ट कर लेंगे और फिर मैं भी उनको बताऊँ कि मैंने भी जो आप लोगों को वीडियो में बोला था। तो अगर मैक्सिमम लोग उनको मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली जो है मार्वल्स मोबाइल की हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है बीस्ट बॉय ऋषि ने, #SundayQ&A, व्हेन विल प्राइस ऑफ iPhone SE 2 ड्रॉप, लाइक व्हेन और एनी एक्सपेक्टेड डेट। पहली चीज, जो भी अभी सेल चल रही है कोई काम की सेल नहीं है, कोई भी प्राइस ऑफ देखने के लिए नहीं मिल रहा। फ्लिपकार्ट और अमेज़न हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, इससे बेटर प्लेयर्स जो है वो ऑफलाइन है। एप्पल के जो प्रीमियम रीसेलर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस ड्रॉप दे रहे हैं। बात रही ऑनलाइन परचेस करने की, तो iPhone SE सेकंड जनरेशन डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब एक डेट आने वाली है जब आप लोगों को iPhone SE सेकंड जनरेशन पे एक डायरेक्ट कट देखने के लिए मिलेगा, और वो जो डेट है वो आप लोगों को अप्रैल में देखने के लिए मिलेगी। April 2nd week से iPhone SE 2 की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब बहुत तगड़ा आप लोगों को जो है प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। April 2nd week में आप लोगों को iPhone SE 2 बहुत अच्छा प्राइस ड्रॉप पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है बो कीड़ा ने, गिव अवे का रिजल्ट कब आएगा। तो गिव अवे जो है मैं आप लोगों को बताता हूं, 18 मार्च को गिव अवे iPhone SE 3rd जनरेशन का पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को सारे के सारे स्टेप्स बता दिए हैं, और रिजल्ट आते आते जो है 25th मार्च तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। 25-26 के आसपास जो आप लोगों को रिजल्ट की अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि जब 18 को फोन लॉन्च होगा, प्रोडक्ट्स आएंगे, अनबॉक्सिंग वगैरह, रिव्यू, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इससे बेटर है कि मैं आप लोगों को जो है पहले सारी चीजें एक बार बता दूं, कंपैरिजन वगैरह हम लोग सारा कुछ कर लें, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो है गिव अवे अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है वैम्पायर ने, #SundayQ&A, iPhone 13 vs iPhone 12 कौन सा लेना चाहिए, विच इज वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ। तो मैं बोलूंगा कि वैल्यू के हिसाब से डेफिनेटली iPhone 13 62,000 और 50,000, 12-13,000 का जो है डिफरेंस चल रहा है इस टाइम पे iPhone 13 और iPhone 12 में। अगर एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, दोनों फोन हाथ में होने चाहिए और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना इसी वीक 13 vs 12 in 2022 राइट नाउ परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए 14 के लिए, सारी चीजें जो है कि वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में 15-20 कमेंट से ज्यादा आने चाहिए, और अगर 50-100 आ गए तो कल ही परसों में आप लोगों के लिए जो है वीडियो आ जाएगी। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा है Apple 24 Hours ने, Apple is not fool, iPhone SE 3 must have something in it that the price is high. What are your thoughts? And even Apple knows that iPhone 12 mini and soon 13 mini will be a big competition for Apple iPhone SE 3 itself. बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने Apple 24 Hours, मतलब मैं बोलूंगा अभी तक का बेस्ट संडे Q&A क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे जो है पिक किया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एप्पल पागल नहीं है, फोन को इतना महंगा लॉन्च कर देगा 12 मिनी को, और बिग बिलियन डेज आ जाते 13 मिनी को कंपटीशन में ले आएगा, और SE 3rd जनरेशन की जो है बिल्कुल सेल डाउन कर देगा। A15 बायोनिक चिप और एप्पल ने जो इम्प्रूवमेंट्स करी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, और अभी भी लोग जो है छोटा फोन, टच आईडी वाला फोन पसंद करते हैं रादर देन 12 मिनी, रादर देन 13 मिनी। तो यहाँ पे जो है ये रीजन हो सकता है, बट मैं स्टिल बोलूंगा कि मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो एप्पल ने लॉन्च किया। मेरे हिसाब से 12 मिनी और जल्दी 13 मिनी अभी भी एक बेटर ऑप्शन होगा। यहाँ पे स्पेशल एडिशन या स्टूपिड एडिशन अगर मैं इसकी बात करूँ, जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि SE एक स्पेशल एडिशन है या फिर स्टूपिड एडिशन है, तो मैं बोलूंगा स्टूपिड एडिशन ही है, क्योंकि यार 43,000 में एक एंड्रॉइड फोन बहुत ज्यादा अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक कैमरा है, इंप्रूवमेंट कर दी बैटरी में, हम वो चीज देख चुके हैं। अगर एप्पल को डिजाइन में चेंज करता तो एप्पल ने कोई भी चेंज नहीं किया, और उसके 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना मेरे को बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता। इससे बेटर ये है कि सेकंड हैंड ही परचेस कर लेंगे iPhone SE 3rd जनरेशन, या फिर 12 मिनी नया ले लो, 13 मिनी नया ले लो, कम से कम एक आपको अच्छा डिवाइस तो मिलेगा, और कुछ अच्छा आप लोग जो यूज कर पाओगे, गेमिंग कर पाओगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी यूज करना होगा आप लोग यूज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से फॉर नाउ iPhone SE 3rd जनरेशन परचेस करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, आप किसी और फोन के साथ जा सकते हो। तो वैसे ही मेरी आज की संडे क्यून वीडियो, आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, गिव अवे में पार्टिसिपेट आप लोग जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।